हाय एवरीवन, माय नेम इज विकास राउत। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल प्राइम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाइवट टेबल के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का एक बहुत ही एडवांस और बेहतरीन टूल है। ये वीडियो बेसिकली मेरे फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरे एक फ्रेंड है मुबशिर हुसैन, जिन्होंने वीडियो में कमेंट करके रखा था मुझे कि आप एक बार प्लीज पाइवट टेबल पर वीडियो बनाओ डेटा के साथ। तो उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप सभी को, कि यदि अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप हो या पीसी, उसमें एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन, चाहे वो 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 2016 हो, 2019 या 365, अगर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है या वो परमानेंटली एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो मैंने अपना मेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स, आप मुझे पर्सनली मेल करो, डेफिनेटली मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन परमानेंटली आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए यूज करना है, देन डेफिनेटली प्लीज मुझे दिए गए मेल आईडी, मेरे मेल आईडी पर डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं उसके सारे सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पाइवट टेबल के बारे में हम आज जानने वाले हैं। अ पाइवट टेबल इज अ प्रोग्राम टूल दैट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज, रीऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज सेलेक्टेड कॉलम एंड रो डेटा इन अ स्प्रेडशीट और अ डेटाबेस टेबल टू ऑब्टेन अ डिजायर रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और समराइज करके सेलेक्टेड रोज और कॉलम को जो है किसी भी पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हम अपने डेटाबेस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पाइवट टेबल का एक जो शीट है मैंने बना के रखा है इसी वर्कबुक में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ डेटा मैंने बना के रखा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट। और इन्हीं डेटा को यूज करके हम यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करने वाले हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट जो हम करेंगे वो यहां पर मेंशन किया गया है, राइट। तो पाइवट टेबल को यूज करने से पहले मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंड्स आपको बता देता हूं। ये बेसिकली जो है, आज इस वीडियो में मैं यहां पर बेसिक, बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज बता रहा हूं। ये बहुत ही एडवांस टूल है और बहुत ही एडवांस इसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जिनको यूज करके हम लैक्स ऑफ डेटा, करोड़ ऑफ डेटा को हम उसे रीऑर्गेनाइज, समराइज करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एन नंबर ऑफ वेज में। तो यहाँ पर मैं बस बेसिक बताने वाला हूँ और इसके अगले पार्ट में हम और भी इन डेप्थ जानेंगे कि पाइवट टेबल में एक्चुअली और क्या ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम प्रॉपर वे में यूज करके अपने डेटा रिपोर्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इस टेबल को यूज करके इसमें ये चारों रिपोर्ट आप जनरेट करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि यहां पर कोई भी डेटा एडिशनल ऐड होता है कॉलम में या रो में, यहां पर एड ऑन होते जाता है, तो आपके रिपोर्ट में भी ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है फ्रेंड्स जब आपका ये टेबल का डेटा टेब्यूलर फॉर्म में हो, तभी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में अगर आप डेटा को जो है रिपोर्ट जनरेट करते हो और कोई भी डेटा यहाँ पर कॉलम में आप एड ऑन करते जाते हो इधर, और फिर रोज में यहाँ पर एड ऑन करते जाते हो, तो फ्रेंड्स जो है वहां पर रिपोर्ट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश का जो एक ऑप्शन होता है वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आपको आगे वीडियो में आप उसे कैसे, आपको इसको यूज करना है और फिर उसे प्रॉपर वे में आप उसको यूज करके रिपोर्ट कैसे जनरेट करोगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डेटा को आपको सिंपली यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, एंटायर डेटा को। फिर आपको जाना है इंसर्ट टैब में, फिर आपको क्लिक करना है यहां पर जो टेबल्स में, यहां पर टेबल आपको दिख रहा है,
यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्मॉल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने रेंज सेलेक्ट करके रखा है A1 से E14 तक। मेक श्योर फ्रेंड्स कि आपका ये जो चेकबॉक्स है वो टिक हो, यानी कि चेकबॉक्स इनेबल हो। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पर। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सारे डेटा को इसने टेबुलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया है, राइट। तो ये सबसे पहला केस हमने कंप्लीट कर लिया, सबसे पहला स्टेज। फिर जैसे ही अगर आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक अनदर टैब जो है डिजाइन वो इनेबल हो जाता है। अगर आप सिंपली इधर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो वो डिसेबल हो गया, यानी कि डिसअपीयर हो गया है फ्रेंड्स, राइट। अगर ये सी यहां पर आप क्लिक करते हो टेबल के फॉर्म में, तो यहां पर ये डिजाइन का टैब जो है इनेबल हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है स्क्रीन पे। तो चलिए इस डेटा को यूज करके हम सबसे पहला रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो कि डिस्प्ले रीजन वाइज टोटल सेल्स। तो हमें रीजन वाइज टोटल सेल्स जो है उसे डिस्प्ले कराना है, रिपोर्ट बनाना है। तो या तो आप रिपोर्ट यहां पर आप जनरेट कर लो कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, यहां नीचे रो में जनरेट कर लो, या नेक्स्ट स्प्रेडशीट में आप यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक नया शीट जनरेट कर सकते हो, या आपको करने की जरूरत भी नहीं है, एडिशनल शीट आपको एड ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन पूछता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो है सिंपली आपको जाना है इंसर्ट टैब पे और क्लिक करना है पाइवट टेबल पर। यहां पर आप देख सकते हो रेकमेंडेड पाइवट टेबल्स भी दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बिगनर्स हैं, जिन्हें पाइवट टेबल बेसिकली यूज करने नहीं आता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं पाइवट टेबल के बारे में, राइट। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज। तो यहाँ पर आपको यहाँ टेबल का रेंज सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो डेटा है आपको इस डेटा के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। और सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। एक्सटर्नल डेटा सोर्स यानी अगर मान लीजिए आपका डेटा किसी दूसरे एक्सेल वर्कबुक में है और आपने उसको कंप्यूटर में कहीं सेव करके रखा है, तब उस केस में आपको इस ऑप्शन का यूज करना है। जैसे यहां पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो चूज कनेक्शन, यहां पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको वो फाइल सेलेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो फिलहाल अभी हम इसी शीट में और इसी वर्कबुक में जो है हम डेटा को जो है रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर न्यू वर्कबुक में क्लिक करता हूं तो सिंपली यहाँ पर एक नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि एक नया शीट ओपन हो, मैं चाहता हूं यही इसी रो में जो है इसी शीट में यहां पर मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दिखाए। तो मैं एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर देता हूं, इस एग्जिस्टिंग वर्कबुक पर, और फिर उसके बाद मैं क्लिक कर देता हूं यहां, और यहां आप देख सकते हो H10 में मेरा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आएगा। तो फिर मैं क्लिक कर देता हूं ओके। आप यहां पर देख सकते हो राइट साइड के पैनल में एक नया पैनल ओपन हो जाता है पाइवट टेबल फील्ड, राइट। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो जो यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, अगर मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो ये पाइवट टेबल का जो पैनल है राइट साइड में अपीयर हो रहा है वो डिसअपीयर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये डिसअपीयर हो गया। अगर मैं यहाँ इसके अंदर क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स के अंदर, तो ये अपीयर होता है। इसका एक अनदर प्रोसेस भी है, यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स शो में अगर आप फील्ड लिस्ट पर क्लिक करोगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, फिर दोबारा से अगर आप क्लिक करते हो तो ये अपीयर होता है। तो इस तरह से आप इसे डिसअपीयर और अपीयर करा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो हमारा पहला रिपोर्ट जो है डिस्प्ले रीजन वाइज टोटल सेल्स। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना, चेकबॉक्स इनेबल करना है रीजन, फिर आपको क्या चाहिए टोटल सेल्स, आप सिंपली सेल्स पर क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो जो भी आपका रीजन है यहाँ पर एरिया ईस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां पर आप देख सकते हो टोटल सेल्स यहां पर इसने ला करके आपको यहाँ डिस्प्ले करा दिया। ये हमारा पहला रिपोर्ट बहुत ही सिंपल वे में जनरेट हो चुका है, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड रिपोर्ट के तरफ। सेकंड प्रोसेस में आप देख सकते हो डिस्प्ले रीजन वाइज मैक्स एंड मिनिमम सेल्स।
उससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूं। जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, एक्चुअली में ये है रीजन, बट यहाँ हेडिंग में डिस्प्ले कर रहा है रो लेबल। आप इसे चेंज कर सकते हो। आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपको जाना है डिजाइन टैब पे, फिर लेआउट में आपको सिंपली रिपोर्ट लेआउट पर क्लिक करके आपको सेकेंड ऑप्शन शो इन आउटलाइन फॉर्म्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने टोटल यहाँ पर नेम चेंज करके रीजन डिस्प्ले करा दिया। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया हमारा, राइट। दूसरे में हमारे रिपोर्ट जो है डिस्प्ले रीजन वाइज मैक्स एंड मिनिमम सेल्स, तो वो रिपोर्ट मैं चाहता हूं इसके नीचे, ठीक इसके नीचे डिस्प्ले हो। तो यहां मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इसे, और फिर आपको जाना है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, क्लिक करना है इंसर्ट पर, और फिर आपको जाना है पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल में आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है रेंज, यहां पर आप टेबल का रेंज सेलेक्ट कर लो, फिर एग्जिस्टिंग को आपको रेडियो बटन सेलेक्टेड रहने देना है, फिर क्लिक करना है आपको ओके पे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर होता है, ये पैनल फिर से पाइवट टेबल का राइट साइड में अपीयर हो जाता है। तो आपका रिपोर्ट जो है वो है डिस्प्ले रीजन वाइज मैक्स एंड मिनिमम सेल्स। तो सबसे पहले आपको रीजन देखना है, तो सिंपली आपको रीजन पर क्लिक करना है, राइट। फिर आपको क्या करना है, रीजन वाइज मैक्स एंड मिनिमम सेल्स, तो यहां पर आपको सेल्स पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो यहां पर ये इसने सेल्स ले लिया, राइट। फिर आपको क्या करना है, सेल्स को एक बार फिर से लेकर के यहां पर इस यहां पर यहां इसे जो है इसके नीचे ड्रॉप कर देना है, ड्रैग करके, राइट। फिर आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सिंपली जैसा कि मैंने बताया था, आपको रीजन सबसे पहले यहां पर डिस्प्ले करा लेना है। आपको सिंपली इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है, डिजाइन पर क्लिक करना है, फिर लेआउट में रिपोर्ट लेआउट पर जाकर के सेकंड ऑप्शन जो है यहां पर आप देख सकते हो इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको करना क्या है, यहां पर आप मैक्सिमम दिखाओ, राइट। पहले है हमारा मैक्सिमम देन मिनिमम, तो आपको इसे मैक्सिमम शो कराने के लिए आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक अगर आप करते हो तो फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहां पर आप ड्रॉप डाउन से यहां देख सकते हो, आप यहां पर मैक्स सेलेक्ट करके आप सिंपली ओके पर क्लिक कर दो, तो आप देख सकते हो एरिया वाइज मैक्सिमम सेल्स यहां पर आप देख सकते हो, ईस्ट में इतने मैक्सिमम सेल्स हुए हैं, नॉर्थ में इतने सेल्स हुए हैं, साउथ में इतने, और साउथ ईस्ट में और वेस्ट में इतने, और टोटल जो है यहां पर आप देख सकते हो 987054 यहां पर आपका टोटल जो है ग्रैंड टोटल आकर यहां पर आपके सामने अपीयर होता है, राइट। फिर उसी तरह आप सिंपली इस पर क्लिक करो, डबल क्लिक करके फिर आप मिनिमम सेलेक्ट कर लो। मिनिमम सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दो ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो मैक्स सेल्स मिनिमम सेल्स, यहां पर आप देख सकते हो इसने मिनिमम सेल्स यहां डिस्प्ले करा दिया, राइट। तो इस तरह से आप हमने यहां पर जो है सेकंड अपना रिपोर्ट जनरेट कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड रिपोर्ट के तरफ। रिपोर्ट नंबर थर्ड में हमें कह रहा है ये डिस्प्ले कस्टमर वाइज काउंट सेल्स, तो यहां जितने भी हमारे पास कस्टमर्स हैं इनके काउंट हमें चाहिए, मींस बेसिकली कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है कस्टमर्स वाइज में। तो चलिए इससे हम कैसे इस तरह की रिपोर्ट्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसे जनरेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आप अब मैं चाहता हूं रिपोर्ट जो है इधर डिस्प्ले हो, यहां रो में डिस्प्ले हो इसके नीचे, राइट। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको और क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे, फिर क्लिक करना है आपको पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना है क्या, डेटा को कर लेना है, रेंज को कर लेना है सेलेक्ट, फिर आपको एग्जिस्टिंग में रहते हुए क्लिक करना है ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर ये जो है बॉक्स बना करके आपके सामने अपीयर होता है, और फिर राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड का पैनल। तो हमारा थर्ड रिपोर्ट हमारा कहता है कि डिस्प्ले कस्टमर वाइज काउंट सेल्स। तो सिंपली आपको करना क्या है फ्रेंड्स, कस्टमर वाइज, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको क्लिक करना है कस्टमर पे। कस्टमर आप देख सकते हो यहां पर ये सारे कस्टमर्स अपीयर हो गए हैं। फिर आपको करना क्या है, इनका काउंट, इट मींस नथिंग बट आपको करना क्या है,
यहां पर आपको लेना है सेल्स, राइट। सेल्स लेने के बाद आप इसको डबल क्लिक करो और फिर उसके बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहां पर काउंट पे और फिर क्लिक करना है ओके। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहां पर पूरा यहां जो है अपियर हो चुका है काउंट, मींस काउंट ऑफ सेल्स। तो रो लेबल जो है पहले आप इसे चेंज कर लो, डिजाइन सेलेक्ट करके डिजाइन पर क्लिक करो, फिर लेआउट में जाकर के लेआउट रिपोर्ट पर और फिर सेकंड ऑप्शन शो इन आउटलाइन फॉर्म्स। तो आप देख सकते हो यहां पर कस्टमर प्रॉपर नेम अपियर हो चुका है स्क्रीन पर, राइट। और यहां पर देख सकते हो आप एबीसी जो कंपनी है एक ही है हमारे पास, आदित्य एंटरप्राइज एक ही है, आकाश लिमिटेड एक ही कंपनी है, अनिल कंपनी लिमिटेड एक ही है, यहां पर किसी भी कंपनी का डुप्लीकेशन जो है नहीं हुआ है फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमारा जो है कंप्लीटली हमारे पास थर्ड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स जो है हम लोगों ने जनरेट कर लिया है। अब हम चलते हैं लास्ट रिपोर्ट की तरफ। लास्ट रिपोर्ट हमारा कहता है क्या, डिस्प्ले कस्टमर वाइज सेल्स, एड न्यू कॉलम रीजन वाइज टोटल सेल्स। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कस्टमर, फिर उसके बाद रीजन, तब उसके बाद सेल्स। तो सिंपली आपको करना क्या है, मैं चाहता हूं वो रिपोर्ट यहां जनरेट हो, तो आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे और फिर आपको क्लिक करना है पाइवट टेबल पे, फिर आपको करना है सेम प्रोसीजर फॉलो करके डेटा को करना है सेलेक्ट रेंज, फिर आपको क्लिक करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर और क्लिक करना है ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, बेसिकली हमारा कंडीशन यही है कि डिस्प्ले कस्टमर वाइज सेल्स, एड न्यू कॉलम रीजन वाइज टोटल सेल्स। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको पहले क्लिक करना है कस्टमर पे, फिर आपको लेना है रीजन, कस्टमर्स के रीजन, रीजन जो हो गया, और फिर उसके बाद लेना है सेल्स। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ रो लेबल को पहले आप चेंज कर लो ताकि रिपोर्ट्स आप कंफ्यूज ना हो पाओ कि किस टाइप का ये रिपोर्ट आपने जनरेट किया है। यहाँ पर लेआउट में जाकर के सेकेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर आप देख सकते हो एबीसी कंपनी उसका रीजन है साउथ ईस्ट और उसका टोटल सेल्स यहाँ पर ये है। अगर आप फ्रेंड्स चाहते हो कि टोटल जो है रिपीट भी हो जाए तो यहाँ पर आप सिंपली आपको करना क्या है, रिपोर्ट के लेआउट पर क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हो रिपीट ऑल आइटम लेबल। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये रिपोर्ट्स में कस्टमर्स के नेम को रिपीट कर देता है, यानी कि यहाँ पर एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी उसके अंडर और फिर साउथ ईस्ट उसका रीजन और उसका टोटल सेल्स ये रहा, फिर आदित्य एंटरप्राइजेस, आदित्य एंटरप्राइजेस उसके नीचे एक आदित्य एंटरप्राइजेस को उसने रिपीट किया, फिर उसके बाद साउथ और फिर उसका टोटल सेल्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स बेसिकली आप किसी भी डेटा के रिपोर्ट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है यहां आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको प्रॉब्लम होती है अगर रिपोर्ट जनरेट करने में, तो डेफिनेटली फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन और आप बताएं मुझे कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप मुझे पाइवट टेबल पर वीडियो बना करके दिखाओ, मुबशिर हुसैन ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो उनके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया था कि फ्रेंड्स अगर आपको बेसिकली इस टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर कोई भी डेटा आप कॉलम में या रो में एड ऑन करते हो, तो डेफिनेटली इन सारे रिपोर्ट्स में, इन फोर्थ जितने भी चार रिपोर्ट हमने जनरेट किए हैं, आपको एक बार रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली इन चारों रिपोर्ट्स में वो डेटा एड ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं एक रो में यहाँ पर डेटा एड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12th डेट को 2nd ऑफ मंथ 2020, राइट 2020 को हमारा एक रीजन है जो है नॉर्थ, NORTH नॉर्थ ईस्ट, राइट। फिर कंपनी है हमारा ABCD कंपनी है और मंथ हम ले लेते हैं जून, राइट। और उसका सेल्स हम ले लेते हैं 4578890, राइट।
इसका सेल्स है। तो यहां पर एक डेटा हमने ऐड कर दिया, राइट। अब हम चलते हैं एक रिपोर्ट पे, फर्स्ट नंबर रिपोर्ट पर, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर राइट क्लिक करके यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पर नॉर्थ ईस्ट का डेटा जो है यहां पर ऐड हो चुका है। आप यहां देख सकते हो कस्टमर में भी यहां एबीसीडी कंपनी जो है ऐड हो चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां भी इसने एबीसीडी कंपनी को एड ऑन कर लिया है और यहां पर नॉर्थ ईस्ट आप यहां पर देख सकते हो। तो इस तरह से आप रिपोर्ट्स को जो है सिंपल क्लिक में रिफ्रेश करके आप सारे रिपोर्ट्स को जो है एक बार में अपीयर करा सकते हो, अगर कोई भी चेंजेस आपने मेन टेबल में किया है तो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं वीडियो बनाता हूं आप सब के लिए फ्रेंड्स, थोड़ी मेहनत लगती है। मेरी सिंपल सा यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डेफिनेटली प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डिजिटल प्राइम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट बेहतर नहीं लगता है या मेरा एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगता है, देन प्लीज मेंशन इन योर कमेंट, मैं और इम्प्रूव करके आपके लिए बेस्ट पार्ट जो है वीडियो का लेकर के आऊंगा। सो आई होप, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।